दोस्तों, एक्टर रणवीर कपूर ने पिछले साल बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार संजय दत्त की बायोपिक संजू से काफी सुर्खियां बटोरी थी। बड़े पर्दे पर दर्शकों ने उनकी एक्टिंग और संजू की जिंदगी को काफी पसंद किया था। लेकिन दोस्तों, फिल्म के करीब साल भर पूरे होने से पहले संजय दत्त और रणवीर कपूर के रिश्तों को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, फिल्म संजू के बाद में संजय दत्त और रणवीर कपूर अब बहुत ही अच्छे दोस्त है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस फिल्म से पहले संजय दत्त और रणवीर कपूर इतने अच्छे दोस्त नहीं थे जितना कि अब भी है। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि संजू से पहले संजय दत्त रणवीर कपूर का उनकी फिल्मों की वजह से अक्सर मजाक बनाते थे। ये बात दोस्तों साल 2016 में संजय दत्त की पार्टी की है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में संजय दत्त ने घर में एक पार्टी रखी थी। उनकी दोस्तों इस पार्टी में बॉलीवुड के कई दिग्गज चेहरे मौजूद हुए थे। दोस्तों, रणवीर कपूर को उस समय काफी शर्मिंदा होना पड़ा था जब संजय दत्त ने उनकी साल 2012 में आई फिल्म बर्फी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय पार्टी में डेविड धवन और राजकुमार हिरानी भी मौजूद थे। दोस्तों, गौरतलब है कि पार्टी में संजय दत्त काफी शराब पी रखी थी। नशे में वह रणवीर कपूर के पास में गए। उन्होंने रणवीर से कहा कि वह उनके साथ एक फिल्म बनाना चाहते हैं जिसका नाम होगा लड्डू। दोस्तों, संजय दत्त की बात को रणवीर कपूर बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। इसके बाद दोस्तों, संजय दत्त ने कहा कि वह लड्डू के बाद में इमरती, जलेबी और पेड़ा भी बनाएंगे। दोस्तों, इसके बाद में वह रणवीर कपूर को गालियां देने लगे और कहा कि मैंने हाल ही में तेरी एक फिल्म देखी थी बर्फी टीवी पर, जो कि मुझे समझ में नहीं आया कि तू किस प्रकार का एक्टर है। पता नहीं आखिर तुझे क्यों संजू में कास्ट किया जा रहा है। दोस्तों, गौरतलब है कि उन दिनों रणवीर कपूर फिल्म संजू की ही शूटिंग कर रहे थे। वहीं दोस्तों, पिछले साल जब संजू फिल्म रिलीज हुई तो दर्शकों ने ना केवल फिल्म को पसंद किया बल्कि दोस्तों यह साल की सबसे ज्यादा रुपए कमाने वाली फिल्म भी बन गई। दोस्तों, संजू के हिट होने के बाद में संजय दत्त रणवीर कपूर की जमकर तारीफ की थी। दोस्तों, फिल्म संजू का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया था। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।